हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं माय सिस्टर एंड ब्रदर और माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक और रमज़ान के रोज़े तो रख ही रहे होंगे और इतनी जल्दी टाइम गुजर गया है, नौवां रोज़ा स्टार्ट हो गया है और यहाँ मैं बना रही हूँ सहरी पराठे। बनाए थे सिंपल मैंने और ये शामी टिक्कियाँ जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी वही मैंने झटपट बना के जी रेडी हो गई है, सहरी की है। और सुबह नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, उठने के बाद ये मंडी गए हुए थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे और वो मैंने समेटा रखा, फ्रूट्स लेके आए थे, सब्ज़ी वगैरह ठहर के लेके आए थे। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, किचन में जो काम वगैरह करे थे। और ये जो लाइट मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी वीडियो प्रॉपर डिटेल के साथ मैंने ये अपने चैनल पर सेंड की हुई है, कितनी की प्राइस है, क्या है, कैसे लगानी है, सारा कुछ मेरे चैनल पर है, वीडियो है, आप जाके प्लीज़ उसे भी देख लें। और एक और पार्सल मैंने ऑर्डर किया था दराज से, मतलब मैंने नहीं मेरे हस्बैंड ने किया था, अपने लिए और मेरे लिए भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं बता रही थी, हाँ मैं ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी। और ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ना, प्लीज़ इसे इग्नोर करें क्योंकि गर्मियाँ फ़ैन तो चलना है, मैं शुरू में आ गई हूँ ताकि ये थोड़ी सी आवाज़ कम हो जाए। और ये 1300 की आई थी, तकरीबन चाइना से आई, तो तकरीबन 1 या 2 हफ्ते तो लग ही गए होंगे। उसके बाद अब चेक करेंगे, यूज़ करेंगे तो बताऊँगी। इसकी चार्जिंग लिखा तो था 2 दिन निकाल जाएगी और आगे आप देखें कि लेनी चाहिए या नहीं, इसके मैं इस्तेमाल करने के बाद आपको बताऊंगी और लिंक मैं डाल दूंगी। और हमारी इतनी हेल्थियाँ ख़राब हो चुकी है ना, रैन और नवल बहुत पसंद है, रैन जो छोटी थी उसे बहुत पसंद थी कि एक मोबाइल का चार्जर और एक हैंडफ्री, ये दोनों मस्ट उन्हें बहुत पसंद है। वो छोटी जो नवल है वो जो ऊपर सिलिकॉन होते हैं वो तो ऊपर तार तक फेंक देती है, कहीं ना कहीं पर फाइनली अनपैक हो गया है। और ये है ग्रीन कलर की है, इसका कलर है, इसके साथ एक चार्जिंग केबल थी, 2 सिलिकॉन्स के जो बोल्स होते हैं वो थे और साथ ये ब्लूटूथ हैंडफ्री थी। बहुत अच्छी लग रही थी, अब यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कैसी है। और मैं यूज़ मेरे हस्बैंड ने यूज़ किया, वो कहते अच्छी है। उसके बाद काम वगैरह किए थे और अफ्तारी के लिए मैं चीज़ें रेडी कर रही थी, पकौड़े बना रही थी, आलू की चिप्स बना रही थी और साथ मैंने फ्राइज़ बनाई थी। दही भले तो हमारे तो रोज़ होते हैं, ये ना हो तो हमारी तो अफ्तारी नामुकम्मल है, और ये मस्ट होते हैं। और साथ ये खरबूजा था, फ्राइज़, ये देखें मेरी ये चीज़ें रेडी हो चुकी थी और कुछ मैं बना रही थी। दही भले मिक्स करने वाले, दही डालने वाली है और ये अंदर से कुछ कटिंग करने वाले थे, वो बच्चों के लिए मैंने जामेश्वरी बनाया हुआ है। जामेश्वरी हमारे घर में नहीं पीते हैं, हमारे घर में ज़्यादा दूध की लस्सी होती है और साथ नींबू पानी होता है। जामेश्वरी बच्चों को देती हूँ, वो ज़्यादा नहीं पीता। उसके बाद ये कैमल वाला आ गया था और कैमल पे माशाल्लाह हुरैन फर्स्ट टाइम बैठी है, पहले डरती थी, आज ये बैठ गई। खुद ही कहा था इसने मामा मैंने बैठना है, बाबा मैंने बैठना है, तो मैंने कहा चलो बैठा। उसके बाबा तो बैठाने नहीं थे, कहते ये आदत पड़ जाएगी, वो फिर रोज़ ही आएगा, रोज़ ही कहेगी मुझे बैठाओ। लेकिन मैंने कहा चलो बचपन में बच्चों का शौक होता है वो तो पूरा कर लो, फिर बड़े हो जाते फिर ये कहाँ बैठा जाता है। तो उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी देर तक पार्क, ये पास ही है हमारे सोसाइटी के अंदर ही, वहाँ पार्क में जाते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि बच्चे थोड़ा सा घूम फिर लें, खेल कूद लें। घर में तो इतनी एक्टिविटी होती नहीं है, मतलब कैद ही होती है, उनको मोबाइल और थोड़ा सा खेल लिया और थोड़ा सा पढ़ लिया, बस यही होता है। थोड़ा सा भाग दौड़ तो वहीं पे इंसान खुल के करता है, बच्चे वगैरह। तो अब वापसी करते हुए हमने खाई थी आइसक्रीम खाई थी। ओके जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद मैं घर चली गई थी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आपको और मुझे इसी तरह सेहत दे, ताकत दे और सब्र दे और रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की सआदत अता फरमाए। आमीन सम आमीन।